अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वीआईपी। गर्मी है, धूप भी है, पर सेहत है तो हर मौसम अच्छा है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सवेरे कलाम पाक की तिलावत कर रही हूँ। पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पाक की तिलावत करती हूँ, फिर ही मैं बाकी काम करती हूँ। कोशिश में यही करती हूँ, कभी कभी कुछ लेट हो जाता है। और ये मैंने सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे पानी का कूलर बनाया। गर्मी है तो हेल्पर के बच्चे भी आते हैं, वो पानी पीते हैं, तो मैं कहती हूँ कूलर में सवेरे बना लूँ। बस पानी जो है कूलर में ठंडा पानी सवेरे बन जाए तो सही है, फिर बच्चे वगैरह पीते हैं, सब पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हस्बैंड जो है चाश्त के नवाफिल पढ़ेंगे, वो चाश्त के नवाफिल पढ़ के फिर कलाम पाक की तिलावत करके फिर जाते हैं सामान लेने। तो हेल्पर अभी मेरी नहीं आई थी, आजकल कुछ थोड़ा लेट करती है। तो अभी हस्बैंड जो है चाश्त के नवाफिल पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हेल्पर भी मेरी आ गई। तो हेल्पर जो है दरवाज़ा देकर आई थी, तो हस्बैंड जो है वो अंडे लेने गया था, अंडे ख़त्म हो गए थे, वो रात को ही लेकर आते हैं, पर रात शायद भूल गए थे तो अभी लेकर आए हैं। अब हेल्पर मेरी जो है नाश्ते की तैयारी करेगी, तो मैं भी फिर किचन में जाती हूँ, फिर साथ में मैं और हेल्पर दोनों साथ में ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हस्बैंड जा रहे हैं सामान लेने। तो प्लीज़ वीडियो मेरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें प्लीज़। मैं मेहनत कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ जो है वीडियो बनाऊँ और दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रही हूँ, तो अल्लाह पाक कामयाब करेगा। और ये आज तिकोनी रोटी हेल्पर से मैंने कहा, मैं कहती हूँ तो पकाती है, नहीं तो वो जो है गोल रोटी पका देते। मैंने कहा तिकोनी रोटियाँ पकाओ तो मैं दिखाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। ये आमलेट अंडे चटनी वाले और चाय और चावल की रोटी जो है हस्बैंड के लिए बनती है, और हम जो है वो गंदम वाली रोटी खाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीआईपी नाश्ता रेडी है, और जिसको भी हमारे साथ नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम आ जाए। तो ये हलवा है, चटनी वाले अंडे, चाय, आमलेट रोटियाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा खिलाया है। और फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह घर की सफाई हुई, हेल्पर ने सफाई की, और सफाई के बाद फिर मैं किचन में गई, किचन की भी सफाई हो गई। पहले किचन की सफाई होती है फिर वो बाहर की करती है, तो फिर किचन की सफाई हो गई तो मैं किचन में आ गई। तो आज फिश बनाई थी, आज हस्बैंड से मैंने कहा फ़िश लेकर आना, तो फ़िश बड़ी तो नहीं थी इतनी, पर सही थी। मैंने कहा ये फ़िश का बच्चा लेकर आई है। और ये मैं जो है बेटी के लिए वो फ़िश नहीं खाती, तो मैंने कहा मैं तुम्हें आज जो है पिज़्ज़ा बना कर देती हूँ। तो मैंने उसके लिए, तो दोनों में फ़िश भी बना रही थी और पिज़्ज़ा के लिए भी पिज़्ज़ा भी बना रही थी, तो उसके लिए डो बनाया और चिकन मैरिनेट करके रखा, तो दोनों में साथ में ही बना रही थी। तो ये फिश को इसमें पत्तेली कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो इसे तई कहते हैं। तो मैंने पहले फिश को थोड़ा तला, फिर तल के फिश को बाहर निकाला, फिर मैंने जो है जो उसकी होती है ग्रेवी होती है वो बनाई। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और ये मैं चिकन जो उसे मैं चला रही हूँ, हल्की आंच पे रख दिया था। तो बेटी मेरी फ़िश खाती नहीं, तो उसने कहा कि मैं बाबा को कॉल करती हूँ, वो बिरयानी या कुछ लेकर आए, तो मैंने कहा नहीं आज कॉल नहीं करो, आज मैं तुम्हें जो है पिज़्ज़ा बना के दे दूँ। उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो वो खुश हो गई।
तो जिस तरह पिज़्ज़ा बनना चाहिए था जैसे बनता है वैसे तो नहीं बना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गया। मेरी बेटी राजी नहीं बल्कि बहुत खुश हो गई। और ये फिर मैंने जो है फिश इसमें ऐड की, फिर थोड़ा जो मसाला वो ऐड किया, थोड़ा पानी ऐड किया, फिर इसमें जो है धनिया, सूखा धनिया कुटा हुआ ज़ीरा गरम मसाला कुटा हुआ, और ये इमली का जूस, ये सब मैंने ऐड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी VIP फ़िश जो है तैयार हो गई। और लास्ट में भी धनिया जो है मैं ऊपर से डालती हूँ, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो ये देखें माशाल्लाह, देखने में भी लुक भी मैं भी VIP अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ़िश बना के फिर मैंने जो है पिज़्ज़ा बनाया, तो पिज़्ज़ा मैंने आज तवे पे बनाया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम तवे पे बनाया था, तो सही बना था अल्हम्दुलिल्लाह, सही बन गया था। बस मैं थोड़ा जो ये मैंने मुझे थोड़ा गोल्डन करना था, तो लाइट गोल्डन हुआ, नीचे से तो गोल्डन हो गया था। ये मैंने चिली सॉस लगाया था, और फिर ये मैं चिकन है और प्याज और शिमला मिर्च और मोज़रेला चीज़ और मायोनीज़ भी मैंने, केचप मायोनीज़ सब मैंने लगा के फिर ऊपर से ढक्कन दे दिया। फिर मैंने इसमें रख के भी मैं जो है पिज़्ज़ा को कन्वर्ट किया, यहाँ पे रखा, मैंने कहा तवे पे जल जाएगा, तो इस पर मैंने रखा थाली पे। और ये पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह पर बहुत ही टेस्टी हुआ था, खाने देखने में ऐसे लग रहा है पर खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था। मैंने खाया, बेटी ने खाया और मेरे बेटे ने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब। और ये फ़िश देखें, ये फ़िश भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही VIP। तो आज फ़िश और पिज़्ज़ा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ये देखने में भी लाजवाब और खाने में भी लाजवाब। ओके, अल्लाह हाफिज़।